3 घंटे बारिश ने अपनी दस्तक दे रखी है, जिससे हम लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे थे। और एक्चुअली सिस्टर लोगों का वैक्सीनेशन करवाना है, सो आज जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने। पूजा सिंह, छोटे सिंह आधार कर लो, गरिमा सिंह चलो ऊपर आ जाओ। लेट आने का यही फर्क है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम से सारा काम हो जा रहा है। अरे कुछ नहीं, ज्यादा तो तेज मच्छर का इतना डर रही है सर। मच्छर ओपिनियन अबाउट दिस, हमको तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। जितना डर था वैक्सीन को लेकर हुआ, तुम इसके बारे में अपना रिव्यू क्या देना चाहती हो? बारिश भी आ गया, यहाँ बारिश भी आ गया, हम लोग जा भी नहीं सकते घर। क्या कहना चाहती हो? एक घंटे बाद कहना चाहती हो? तुम क्या कहना चाहती हो? तुमको बहुत अच्छा फील हुआ। तुम जनता को क्या संदेश देना चाहती हो? क्यों ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो बचे हैं जल्दी से टीकाकरण लगवा लीजिए, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि तीसरा वेव आने वाला है, और जो फर्स्ट सेकंड वेव से बच गया वो तीसरे वेव में तो जाएगा ही। वाह, हॉस्पिटल सुनसान। एक्चुअली आज सुबह से इतना काम था, सुबह उठे सोचे बहुत सारे काम को निपटा देना है, लेकिन गले का दर्द ना हालत खराब कर रखा है। हुआ क्या, रात को एक तरफ ही सो गए हैं, सुबह उठे तो गला दर्द, सो आज सारा काम पोस्टपोन हो गया, अब आगे देखेंगे। चल छोटी आजा, लगा बेटा। तो कहा जाता है अगर आपको सीखने की ललक होती है, अगर आपको सीखने की जुनून होती है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सीखने से। किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे, हिंदुस्तान के संविधान पे, हिंदुस्तान के कानून पे, जो कि मैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, फिर भी थोड़ा सा ज्ञान मेरे तरफ से आप लोगों के लिए। किसी ने पूछा कि कानून अंधा होता है, एक्सप्लेन करें। इंडिया का कानून, किसका कानून? इंडिया का कानून अंधा होता है, इसको एक्सप्लेन करें। गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा, रवि प्रताप सिंह का ज्ञान। तो मैं सोचा क्यों ना मैं एक्सप्लेन करूं अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने व्यूअर के लिए, अपनी कुछ थॉट्स बताऊं कि कानून सचमुच अंधा होता है। सपोज डेट आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जा रहे हैं, दूर का छोड़िए, मैं आपको नजदीक का एग्जांपल देता हूं। अगर आपके घर में कोई पेंशनर होंगे, रिटायर हो गए होंगे किसी जॉब से, अगर उनको पेंशन मिलता होगा ना, तो उनको हर साल अपना डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उनको साबित करना पड़ता है गवर्नमेंट के सामने कि मैं जिंदा हूं। अरे भाई मैं पूछता हूं, क्यों? आखिर गवर्नमेंट अंधी थोड़ी है, भारत का कानून अंधा थोड़ी है कि भाई एक तो हम साक्षात खड़े हुए हैं और जाके कह रहे भाई साहब ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट है, अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, आप मेरे काम को और आगे के नहीं। मीन्स अगर ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से देख रहा है ना, तो प्लीज यार इसको रिकमेंड करना, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग उसको सुधार। और लास्ट में जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को इस बार ये टारगेट है कि अपने चैनल को मोनेटाइज करना है, तो जल्दी से जल्दी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अंदर से हम भी मोटिवेट हों और आपको ऐसे ही लाइफ स्टाइल, लाइफ सर्कल को आपको हम दिखाने की कोशिश करें। और जल्द से जल्द ट्रेवल शुरू होने वाली है, क्योंकि अब बंदा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाएगा, अगर अच्छी लगे तो तब भी लाइक करेगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करेगा, कमेंट करेगा वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। सो फ्रेंड, इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आज ब्लॉग रवि प्रताप सिंह। बाय बाय दोस्त।